पर कोई असर नहीं करता और वो पूरी तरह एक साधारण इंसान बने रहते हैं, तो दिमागी तौर पर ठीक होने की तरफ उनका ये पहला छोटा सा कदम होगा। और मैं समझता हूं कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब हम सब ये जानते हैं कि मिस्टर टॉलबर्ट को निजी जिंदगी में बड़े ही सदमे वाले तजुर्बे हुए हैं। उन्होंने अपनी माँ को क्रूर तरीके से मरते हुए देखा है, इसलिए उनका नाजुक दिमाग इसे कबूल नहीं कर सका और इन्होंने अपना ही एक मनगढ़ंत सच बना लिया कि इनके पिता इसके जिम्मेदार थे, कि इनके पूज्य पिता असल में एक भेड़िया मानव है। पर आपके पिता भेड़िया मानव नहीं है और ना ही आपको किसी भेड़िए मानव ने काटा है। आप भेड़िया मानव नहीं बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे भी पंख निकल आएंगे और मैं उस खिड़की से उड़ जाऊंगा। मुझे लगता है शायद मिस्टर टॉलबर्ट हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सब जोर से बोलिए मिस्टर टॉलबर्ट। माफ कीजिएगा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम सब बेवकूफ हो, आज रात मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो खैर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि लाइकेंथ्रोपी इस दिमाग के बारे में जो बसी हुई है तो मिस्टर टॉलबर्ट के ख्यालों से गहरे शायद लॉक जाम हो गया।